Hey, what's up, your family? This is Ankit. कैसे हैं आप? I hope आप सब लोग ठीक होंगे और फिट होंगे. So guys, आज HK Vitals, जी हाँ, HK Vitals का फिश ऑयल. Guys, HK Vitals का ये फिश ऑयल सप्लीमेंट Amazon Flipkart पर बहुत ही ज्यादा बिकने वाला एक फिश ऑयल है जिसकी रेटिंग काफी अच्छी है. ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन 350 से 400 रुपए में आपको 60 कैप्सूल्स का ये फिश ऑयल मिलता है. मुझे खुद को ये लगभग 370 रुपीज का मिला है. जी हाँ, मैंने खुद इस प्रोडक्ट को कम से कम 30 दिन तक यूज कर लिया है और अब मैं आपके सामने पूरी तरह से तैयार हूँ इसका रिव्यू करने के लिए. साथ ही साथ इससे पहले मैंने HK Vitals के मल्टी वाइटमिन, जो कि वो भी यार काफी फेमस है, Amazon Flipkart पर काफी ज्यादा बिकता है, उसका भी रिव्यू किया था. अगर आप इंटरेस्टेड हो उसे देखने में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले एक जरूरी चीज बताना चाहता हूँ, जो कि है फिश ऑयल के बारे में. फिश ऑयल यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें क्यों चाहिए? ओमेगा 3 गाइस हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से यानी कि डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट के जरिए अपनी बॉडी को ओमेगा 3 देना चाहिए. ओमेगा 3 के बेनिफिट्स हमारे हेयर के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे हार्ट और हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है. तो गाइस, अपनी डाइट में आज का जो ओमेगा 3 ऐड करना बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं मानूंगा, इसलिए डॉक्टर्स भी गाइस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको रेकमेंड करते हैं. जी हाँ, तो गाइस इसकी बात करूं तो जो सबसे पहली चीज आपको देना चाहिए, देखना चाहिए गाइस, कि आपकी जो कैप्सूल है ओमेगा 3 की, उसमें आपको न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है. आपको देखना चाहिए गाइस EPA और DHA. गाइस जो EPA है इसके अंदर वो है गाइस 180 mg, यानी कि 180 mg, और DHA है गाइस इसके अंदर 120 mg. ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट का लगभग हाफ है. तो अगर आप कोई एथलीट नहीं है, आप जिम नहीं जाते हैं, नॉर्मल योगा वोगा या कुछ नहीं भी करते हैं गाइस, जो कि बहुत ज्यादा लोग हैं, हालांकि करना चाहिए यार, आप लोग जिम नहीं भी जाओ तो भी योगा या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बट फिर भी अगर आप नहीं भी करते हो कुछ भी तो भी आपको ओमेगा 3 की जरूरत है, तो आप इसकी एक कैप्सूल पर डे रात में सोने से पहले ले सकते हो अपने डिनर के बाद. बट अगर आप मेरी तरह जिम जाते हो, वेट लिफ्ट करते हो, तो आपकी डाइट एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है, तो आपको ओमेगा 3 की भी जरूरत एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होगी. तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 कैप्सूल इसके रात में सोने से पहले यानी कि डिनर खाने के बाद जरूर लो. हाँ, अगर आप पर डे सिर्फ एक यूज करते हो तब तो ये ठीक है, बट अगर आप इसे 2 यूज करोगे तो 350 रुपए आपके एक महीने में खर्च जाएंगे इसके ऊपर. तो ऐसे बहुत सारे फिश ऑयल्स हैं जो ज्यादा EPA DHA देते हैं अपनी एक कैप्सूल में, और वो एक्सपेंसिव होते जरूर हैं, बट वो बिल्कुल इसी तरह का रेट होता है उसका, यकीन मानिए. अगर कोई एक कैप्सूल आपको EPA DHA इसका डबल दे रही है और वो 60 कैप्सूल है बट इसका रेट डबल है, तो इसने और उसमें कोई अंतर नहीं है. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना. तो गाइस, क्या मैं इसे रेकमेंड करता हूँ? बिल्कुल, आप इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसकी कैप्सूल भी अच्छी है, फिशी बग्स भी मुझे नहीं आती है, यानी कि डकार में मुझे मछली की स्मेल नहीं आई थी इसको यूज़ करने के बाद. और एक बड़ा रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ इसे यूज़ करने का गाइस, फिश ऑयल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं गाइस, वो वेज सोर्सेस में भी मिलते हैं और फिश में, जाहिर सी बातें मिलते ही हैं, बट सब लोग इंडिया में फिश नहीं खाते, मैं खुद नहीं खाता. फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 मिलता है बट इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, वेज सोर्स है बट बहुत ज़्यादा फ्लैक्स सीड आप रोज़ नहीं खा पाओगे. तो अपनी डाइट में एक फिश ऑयल सप्लीमेंट ऐड करना एक घाटे का सौदा नहीं है. सो गाइस, आई होप कि अगर इस वीडियो में आपके डाउट सॉल्व नहीं हुए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछोगे. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आज के मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पे क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ. फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए इस चैनल को आज का सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे वाले जो लोगो है ना सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, उसे दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए जरूरी हो सकती है वो मिस ना हो जाए. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहां पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करता हूं, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करता हूं. अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें. जय हिंद.